नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका हरियाणा से परिचय करा देता हूं। मैं हरियाणा का हूं। कहते हैं हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है, जबकि ऐसा है नहीं। लोग सवाल उल्टे कर देते हैं, जैसा सवाल वैसा जवाब। वो एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले ताऊ बीड़ी पीवे है? अब कायदे से ये सवाल गलत। जब तू ये दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है, तो ये फालतू का सवाल कर क्यों रहा है भाई? फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे दे है, बोले ताऊ बीड़ी पीवे है? बोले ना, अगरबत्ती सुलगाइए, धोख लगाऊंगा। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमा हुआ है? बोले ना, ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। अभी पिछले इतवार की बात है, मैं अपनी पत्नी को एक शॉपिंग मॉल में ले जा रहा था शॉपिंग करवाने, तो एक दोस्त मिल गया, बोले भाभी जी को शॉपिंग कराने लाए हो? मैं कहा ना, पल्स पोलियो की दवा पिलवाऊंगा। वो एक अर्थी जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना, बाजार घुमाने ले जा रहे हैं। बोले बाजार घुमाने ले जा रहे हैं इसमें, सांझ ने घर छोड़ देंगे, और तू कहे तो तेरे घर छोड़ दे। पर आप देखो, लोग सवाल पूछते हैं। वो एक कहते हैं प्लास्टर बंधा हुआ था, तो एक ने पूछ लिया, बोले हाथ में चोट लग गई के? बोले ना, फैशन है। वो एक की भैंस कट गई रेल से, उसने रेलवे पर मुकदमा कर दिया, तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चर रही थी, वो तो इंजन की नियत खराब होगी। वो भी एक आदमी घंटाघर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले घड़ी खराब होगी थी के? बोले ना, आंख कमजोर है, टाइम देखने गया था ऊपर। अभी पिछले दिनों मैं दिल्ली से बंबई जा रहा था, सीधी फ्लाइट थी दिल्ली से बंबई की, तो बीच उड़ान में एक ने पूछा, बोले बंबई जा रहे हो? मैंने कहा ना, पैराशूट बांध रहा हूं, नीचे कूदूंगा अभी। हरियाणा के गरीब बेरोजगार को नौकरी मिल नहीं रही थी कहीं, उसने सोचा बैंक से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत 10-20 हजार का लोन मिल जाए तो कोई काम शुरू कर दूं। बहुत गरीब था, पहुंच गया मैनेजर के पास। लेकिन हमारे यहां तो मैनेजर भी ऐसे सवाल करते हैं। उस गरीब छोरे से पहला ही सवाल ऐसा किया, बोले कोई जमीन जायदाद? बोला जी मैं कुछ समझा नहीं। बोले मकान वकान? बोला हाँ, 4 कोठियां हैं। और बोले वाहन? बोले 3 मारुति कार हैं, 3 जीप हैं। और बोले जमीन? बोला होगी 40-50 एकड़। तो मैनेजर बोला क्यों मजाक करे है? बोला शुरुआत तो तैने की थी। लेकिन साहब, जवाब तो उल्टे देता ही हरियाणा का आदमी। और इस उल्टे जवाब के सौंदर्य पे आपको एक शुद्ध हास्य रस की कविता सुनाता हूं, क्योंकि जवाब तो उल्टे हैं ही जी, कैसा भी सवाल हो। वो एक हरियाणा के कैदी को फांसी की सजा हो गई, जब उसे फांसी पे ले जा रहे थे तो जेलर ने पूछा, बोले अपनी अंतिम इच्छा बता। तो हरियाणा के कैदी बोला, बोले पूरी करेगा? बोले हाँ। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले फिर मेरी जगह तू चढ़ जा फांसी पे।